खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग पर नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के सुरारी कला गांव के पास बीती देर रात खेत की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग पर चार नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले में घायल बुजुर्ग को परिजनों ने गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां पर बुजुर्ग की हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। पीड़ित बुजुर्ग का आरोप है कि नकाबपोश बदमाश मारपीट के बाद दो सोने की अंगूठी एवं 5,000 रुपए की नकदी लूट ले गए और अगले दिन 10,00,000 रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित बुजुर्ग राधेश्याम मीणा सुरारी कला गांव का निवासी है, जो कि सीओडी विभाग में रिटायरमेंट कर्मचारी बताया जा रहा है। पीड़ित बुजुर्ग के पुत्र हरेंद्र मीणा ने बताया कि शनिवार रात करीब 11 बजे हमारे पिता गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत पर रखवाली करने गए थे, तभी लाठी डंडों से लैस चार नकाबपोश बदमाशों ने लूट की नीयत से हमला बोल दिया और जमीन पर पटक कर पूरी तरीके से मारपीट की, जिससे उनके पूरे शरीर में अंदरूनी चोटें आई हैं। वहीं भागते समय बदमाश दो सोने की अंगूठी एवं 5,000 की नकदी भी छीन ले गए। बदमाशों ने धमकी दी है कि अगले दिन अगर 10,00,000 रुपए नहीं दिए तो तुमको जान से मार देंगे। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने हमले की सूचना सरमथुरा थाना पुलिस को दे दी है। पैसा मांग रहे लोग, 80,00,000 रुपया मिले, वो भी 500 रुपया दे रहे। फिर मांग रहे लोग जुलाई जुला के लट्ठा दे थे दोबारा, फिर जुलाई के फेंके तो भाई। हमला